आग को जब तक ना छेड़ो तब तक नहीं भड़कती, छेड़ो तो ऐसा भड़कती है कि जलाकर राख कर देती है। कृष्णा नाम की इस आग से अगर बचना चाहते हो तो वैन में बैठे हुए सबको निकाल दो, वरना अपन तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। खबरदार, कोई बाहर नहीं निकलेगा। ये वेल जी के क्रोध का तूफान है कृष्णा, ये तूफान तुझ जैसी आग को भी उड़ाकर वेल जी के पास ले जाएगा, जिंदा या मुर्दा। भारत साले को एक एक हड्डी भी न बचे इसकी। तुम क्या कायरों की तरह खड़े तमाशा देख रहे हो? आगे बढ़ो और उन हरामियों का मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि हमारी बस्ती की तरफ मुंह तक न कर सके। उनके पास हथियार है। हथियारों से डरते हो? और मेरा कृष्णा, जो आज तक अब तक तुम लोगों का हथियार बना हुआ है, उसको कुछ हो गया तो? लेकिन बहन जी। अरे बहन जी क्या कर रहे हो? ये लो, शर्म से डूब मरो छटको और जाओ, जाके अपनी बीवी के घाघरे में छुप जाओ। थू है तुम पर, तुम्हारी मर्दानगी पर। ये लो छटको, ये लो ना मर्दो। अरे शर्म आती होगी उस माँ को भी, जिसने मर्दों की जगह तुम जैसे कायर और छक्कों को जन्म दिया। जाओ कमीनो, निकल जाओ यहाँ से। जाओ घर जाके आराम करो। दफा हो जाओ यहाँ से। तू भी दफा हो जा, क्योंकि किसी माँ ने अभी तक वो लाल नहीं जना जो हमारे सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। ये जाम कृष्णा की मौत के नाम। राजा, कृष्णा पर हमला करवाकर तूने अपनी मौत को आवाज दी है हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। घबरा मत वेल जी, इससे तो मुझे पुराना हिसाब भी चुकाना है। तुम्हारे अटेम्प्ट ऑफ मर्डर में इसे ऐसा ठोकूंगा तेल लगा के कि सारा तेल ही निकल जाएगा। वाह मारू वाह, इसे कहते हैं नमक हलाल। आज तूने वेल जी के नमक का हक अदा किया है। चल ना, चल भैया, चलो। भाग मत वेल जी, मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ और तेरी मौत अटल है। ओए रुक जा। अबे जा जा, तू हमें ढूंढता ढूंढता मर जाएगा लेकिन हमें नहीं ढूंढ पाएगा, समझे? चलो भैया, मौत अटल है। जा, आगे बढ़ा तो गोली मारूंगा। चला गोली, चला गोली, देखो, चला गोली। लो संभालो इसे, बहुत भड़क रहे थे ना उस दिन पुलिस वालों की जलालते सुनकर, आज तुझे मैं आईना दिखाने आया हूँ। शट अप, यू शट अप। पूछो इसे, पूछो ये वेल जी के तलवे क्यों चाट रहा था, उस वेल जी के जिसने मेरे कृष्णा को जिंदगी और मौत के दुराहे पर खड़ा कर दिया है। दुआ करके कृष्णा को कुछ ना हो, क्योंकि अब तेरी सांसें तब तक चलेंगी जब तक कृष्णा की सांसें चलती रहेंगी। सर वो हरामजादा आपके सामने कुत्ते की तरह भौंक के चला गया और आप खामोश खड़े तेल लगा के।
तुम्हारी जलालत ही मेरी जुबान की लगाम बन गई। तुम जैसे सलील ही हमारे डिपार्टमेंट के माथे पर कलंक हो। डैम इट, एक दिन सबको ठोक दूंगा तेल लगा के। हेलो सपना बेटी, अपना वादा भूल गई ना? तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चल रही हो, मैं तैयार होके बैठी हूँ। सॉरी आंटी, यहाँ एक बहुत ही सीरियस पेशेंट आ गया है। नौजवान लड़का है और जवानी में ही मौत के दरवाजे पर खड़ा है। डॉक्टर, इसीलिए ए बी नेगेटिव ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है। शहर के एक एक हॉस्पिटल और ब्लड बैंक से पता करवा लिया। बहस मत कीजिए डॉक्टर, जाइए जाकर ब्लड का बंदोबस्त करिए। अगर एक घंटे में उसे ब्लड नहीं मिला तो वो मर सकता है। हरी अप। यस डॉक्टर। आंटी मैं आपको, हेलो हेलो, मेरा खून लेके बदली नहीं किया जा सकता। तू कुछ भी कर सकती है डॉक्टर, कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे मेरा कलेजा जल्दी होने से बच जाएगा। हम यही कोशिश कर रहे हैं आंटी। सपना, सपना मैंने फोन पे सब सुन लिया है। मेरा ब्लड ग्रुप भी एबी नेगेटिव ही है। शायद मेरा खून तेल बनकर किसी के जीवन के दीपक को बुझने से बचा ले। पर आंटी उसे बहुत खून की जरूरत पड़ेगी और इस उम्र में। सपना, अगर उसकी जगह मेरा अपना बेटा होता तब तुम ये सवाल नहीं करती और मैं अपने खून का आखिरी कतरा तक दे देती। समझ लो वो मेरा अपना ही खून है, मेरा अपना ही बेटा। आंटी यू आर ग्रेट, आइए। देव तुझे भला करो भाई। डॉक्टर, मेरा कृष्णा कैसा है? डॉक्टर माँ जी, भगवान ने आपकी फरियाद सुन ली। इनकी मेहरबानी से अब कृष्णा खतरे से बाहर है। अरे क्या कर रही है? कृष्णा को होश आ गया है, आइए। कृष्णा, तू मेरी जान है कृष्णा, मेरे जीते जी तुझे कुछ नहीं हो सकता। अब सबकी दुआओं की वजह से ही तो बच गया हूं। अरे इसे आप खाना खिला रही हैं? इसके लिए तो मैं खाना लेके आई थी, सोचा था अपने हाथों से खिलाऊंगी, मगर आपने मेरे सपने चूर चूर कर दिए। अरे मैं तुम्हारे सपने क्यों चूर करूंगी, लो तुम खिला लो। हाँ ये हुई ना बात। ए गुस्सा मत खा, खाना खा। डॉक्टर नी साहिबा, इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, ये बचपन से ही पगली है। ये पगली नहीं दीवानी है, प्रेम दीवानी। और इतना प्यार करने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। देखा डॉक्टर नी मेम साहब, पहली मुलाकात में समझ गए कि मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। और एक तू है, तू यहाँ खाना खिलाने आई है या उनका भेजा खाने? लो प्यार के दुश्मन, खाओ। चाचा चाचा, ये लो मिठाई खाओ। अरे अरे, अरे बिटिया बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? मेरा कृष्णा घर आ गया चाचा, आज मैं ही नहीं सारी बस्ती खुशी से गाएगी और नाचेगी। अरे कृष्णा, तेरे आने की खुशी में जश्न है और तू ही नहीं नाचेगा यार, चलना यार। चलो 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 यार, चलो।